हेलो भाई, मैं अरुण पवार। आज सौभाग्य मिल रहा है भाई, इतनी खतरनाक सी गाड़ी चलाने का, देख रहे हो? ये भाई आज मंदा इतना हार्ट टूटा पड़ा है ना, एन को जब से सर्विस सेंटर छोड़ के उनको कोई ऐसा पता ही नहीं है कब देंगे कब नहीं देंगे। कौन सा ईयर है ये? 14 15 16 15 गाड़ी टू देखोगे तो भाई स्कूटर कैसे लगे हैं बिल्कुल इसके, ये देख रहे हो। कोई नहीं भाई, अब क्या करें यार, अब मजबूरी अब किया है अपने पास, लेकिन वो आज पहले रिटी चलाई दे ना, जी चलाई पिलिया जी, पिलिया याद है तो बड़ी यू भाई। अब इसमें क्या है ना, कोई कार प्ले वार प्ले के लिए हम जीतते रहते, पहले तो भाई ना हटा। एक पेपर वेपर है, इंश्योरेंस विंश्योरेंस दे वहां मत धरे। ये भाई हमारे जीजाश्री की गाड़ी है, तो मोहित ने लेके आ रखी है थोड़े दिन के लिए ऐसी चलाने बनाने के लिए। सुजुकी का सीट कवर है, देख रहे हो क्या एमबीएम लाइटिंग वगैरह। तो आज जरा थोड़ा सा इसका एक्सपीरियंस लेके देखता हूँ मैं, मेरे को दिल्ली तक जाना है एक्चुअली। है और कर, अरे ये भी सेट करने पड़े हैं। हाँ और कर बस वार कर दे हल्को सो इस। एक्चुअली इनमें भाई क्या है ना, इनमें इवन डंडी तक नहीं है कि आप डंडी तक एडजस्ट करो। बस बस मतलब डंडी सी से भी एडजस्ट नहीं कर सकते। ए सी भी चले हैं मैं, मारुति 800 थोड़ी है कि जहाँ ए सी ना चला, कोई बैग ना आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है, 8 साल पुरानी गाड़ी है भाई ये, मतलब बहुत मेंटेन करके चली है, 47,000 चली है केवल। अब वन टच ऑटो भाई इसके अंदर, लेकिन काम तो करती ही नहीं। चलो आज इसका भाई देखना, पूरा हिलता है इसका तो पूरा सिस्टम ये पूरा। इसमें ऑक्स ही चलानी पड़ती है, ये ऑक्स। अभी आईफोन वाईफोन जो ये हैं इनमें ऐसे सिस्टम आए हैं कि इनमें ये जो 3.5 mm जैक है लगता नहीं है, तो ऐसा जुगाड़ करना पड़ता है क्योंकि म्यूजिक भी चाहिए भाई। अब पहले तो तेल डलवा लेता हूँ पेट्रोल पंप पे जाके, क्योंकि उसकी बत्ती है लुपुर लुपुर ही करती रहती है पेट्रोल गाड़ी। ऐसे देखो भाई, मारुति की ना ऐसी बॉडी ऐसी रहती है, जंग खा जाती है तुरंत ही, जगह जगह से जंग खाई पड़ी है। धीरे धीरे 1200 रुपए का डलवा लेता हूँ इसमें, मेरे ख्याल से इतना तो हो जाएगा। और जंग खा के देखना वैगनर कैसी बनी। पहले कैसे ट्रेंड चलता था भाई, ये नाम वाम लिखवाने का पीछे बच्चों का, इनका फर्स्ट सन है उनका नाम है, तो भाई अलग ट्रेंड थे पहले टाइम पे। उस टाइम पे वैगनर इतनी बड़ा बड़ी लगा करती थी भाई, यही नहीं लोगों पे जुड़ती थी। आजकल तो ऐसा हो गया है भाई, वेटिंग इतनी, मतलब पहले तो ऐसे ऑफर देते थे, हमको याद है मारुति शोरूम में जाते थे ऐसे ऑफर देते थे, ऐसे फोन वोन कर करके ले लो ले लो। अब तो भाई कोई पूछता भी नहीं, किसी को भाव भी नहीं देता। मतलब ये देखो वाइपर वाइपर सब जाम जुम है पड़े, बस ये चार पहिए, इंजन रिलायबल है ही, भाग मस्त रही है गाड़ी अभी तो। और एक और कमाल की चीज बताऊं भाई, अब ये ऑक्स वॉक्स का जमाना चला गया ना, तो इस फोन में 2.5-3 साल पुराना फोन है ये सैमसंग का, इसमें आज तक ये लगी नहीं, तो पता नहीं जंग खा गया क्या, इसकी केबल सी चली नहीं रही। शुक्र है चलो इसमें ब्लूटूथ तो आता है पहले, मतलब लोग यार सोच के देखो ऐसे ब्लूटूथ नहीं होता था उसमें, ऑक्स के और यूएसबी के थ्रू चलता था, सीडीओ के थ्रू। आजकल तो भाई हम एप्पल कार प्ले एंड्रॉइड तो ऐसे झीकते रहते हैं भाई, वक्त वक्त की बात है, देख लो टाइम के साथ ना अपडेट होना पड़ता है, वरना पीछे रह जाओगे रेस में भाई। 1200 रुपए के तेल में एक्सयूवी जैसी रिजर्व की बत्ती से नहीं हटती, और 1200 रुपए में इसका पूरा पेट सा भर गया, देख रहे हो लुपुर लुपुर से 5 डंडे आ गए हैं। पहले की गाड़ियां सीट बेल्ट नहीं लगी होती थी, तो ना कोई टू टू करती थी ना कुछ भी करती थी, लेकिन अच्छी चीज है भाई ये टू 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 वाली तो ना, अगर लोगों ने इनके भी जुगाड़ ढूंढ लिए हैं। वैसे तो यहाँ पे वो नकली सा वो लगा लेते हैं पीछे से लगा लेते हैं, बट पहले मतलब लोगों के इन चीजों में तो पैसे बचते थे भाई, की आराम से टूटा, मतलब ये आती थी बत्ती आती थी इसमें, लेकिन वो टू 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 वाली शिकायत, ये टू 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 आया है जहां तक मैंने संभाला है, 17-18 के बाद टू 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 सीट बेल्ट रिमाइंडर वाली जो चीज है तब से आने स्टार्ट हुई है भाई। इसका ब्लूटूथ कनेक्ट ही नहीं हो रहा यार, अब दोबारा ऑक्स पे करता हूँ इसको, आवाज ही नहीं आ रही, फुल आवाज है, इतनी सी आवाज आ रही है। वो कह रहा मोहित इसकी एक बार ना इसको ऐसे जीप में लगा, बस देसी जुगाड़ चलते हैं भाई हर जगह यार, तब लगा के देखता हूँ। मतलब बेकार रोडों पे तो ये खड़गड़ खड़गड़ करती है, मतलब तगड़े रोड पे लाती स्पीड, टॉप स्पीड देखो 50 दाब रखा है मैंने दबा के एकदम। ओ भाई 130-140 अपना देखना, वरना कभी पीछे छोड़ देगी ये, अगर मैंने चाही तो लंबी रेस में। बट भाई मैं इसको ज़्यादा खींचूंगा नहीं, क्योंकि इनमें ना स्टेबिलिटी देखना, स्टेयरिंग टेढ़ा है, स्टेयरिंग एकदम अनरिस्पॉन्सिव है, कॉन्फिडेंस के नाम पे जीरो, ऊपर से ब्रेक्स नहीं लगेंगी, फायदा नहीं ना कोई, ले प्यार से चलाओ इन गाड़ियों को, वो वाली सीन है भाई। इतनी पुरानी है ना, इसमें वो भी नहीं है फास्टैग वास्टैग कुछ ना बताओ, डबल लगेगा का है 250 लगेगा, 125 रुपये है वैसे, अब इसका और बढ़ा दिया, पहले 115 हुआ करता था, बहुत ना पड़ता है यार इतने का, तो फास्टैग नया बनवा देता मैं इसका। छोड़ो भैया मंगती गाड़ी में ना ऐसे ही हो जाता है, और फिर पर्ची देती है रिटर्न में भी 250 लगेंगे है यार, पर्ची देना जो 24 आवर्स को तो रहे, सिंगल जर्नी की होती है, सिंगल जर्नी की रहे भाई। आज उठ गो मैं यार, तो हद होते किसी चीज़ की यार, सरकार ने पता नहीं कैसे कैसे रूल बना दिए हैं यार,
₹500 टोल इस पे से गुजरने का, उल्टे जाते तो ₹65 लगते हैं, फास्टैग से जाओगे तो 115 और उल्टे आओगे तो 60 24 घंटे के अंदर अंदर। और अब 250 आम आदमी को जो गरीबी गरीब गाड़ी चला रहे हैं उनका तो कोई मान धर्म ना, ₹500 ही नहीं होते इतने तो। मैं इतने तो कैब में चले जाता हूँ मैं, शिट यार इतने तो कैब वाले लेता यार। पहले तो बनता था ऐसे डबल जर्नी का, ऐसे आने जाने का 24 पर्ची में ही, ऐसे पागल तो नहीं बना दिया मेरे को ऐसे सिंगल जर्नी का ही बनता है ऐसे कैश में। क्या पता फास्टैग के बाद रूल चेंज हो गया हो, पर पता ना इसने पागल तो नहीं बना दिया। मैं अपने रुपए ले जाऊंगा इससे उल्टे आके, अगर मल्टीपल जर्नी या ऐसे रहता होगा तो। यार मन नहीं मान रहा यार, ₹500 इतने में फास्टैग बन जाता, ₹200 का ₹150 रिचार्ज आ जाता, इनका भी भला हो जाता मोहितर का भी। और बुद्धि नहीं लगाते हम लोग कई बार, क्या कर सकते भाई। अब ना इसमें गाने नहीं चले तो मेरे को अपना इसमें ही अपना ऐसे ही सुन रहा हूँ फोन में ही, और क्या करे यार इतनी गाड़ियाँ जा रही है भाई, सब में गाने बज रहे हैं। विंटेज चीजों में भी अपने ही मजा है भाई। इसमें मैं बताऊँ वेगनार का भाई, छोटी गाड़ी नहीं लगती, बड़ी चौड़ी चौड़ी सी विंडशील्ड इतनी बड़ी, और भगाने में बहुत सही है भाई, ये सही बता रहा हूँ। जैसे लगती है ना पिद्दी सी भटकती ना होगी भाई, इंजन बहुत पावरफुल है इसका, मतलब इसके हिसाब से देखो, इसके साइज के हिसाब से देखो, तभी वैगनार ना अपने सेगमेंट में अपने टाइम पे बहुत बहुत बिकी है और अब भी इतनी बिकती है, क्योंकि इसका स्पेस भी चौड़ी इतनी लगती है, विंडशील्ड इतना बड़ा है, भागने में भी अच्छी है, प्लस माइलेज भी अच्छी होगी। और छुटकली सी है ना, कैसी कट मार के निकल जा रहा हूँ। मुझे आज तक समझ नहीं आया लड़कियों के किस तरीके से स्कूटी चलाती है। अभी इन्होंने ना दोनों पैर कर रखे थे नीचे, और मतलब उसको घिसराए जा रही है पैर को, मतलब जैसे नॉट अ गुड वे ना यार, मतलब लग लगा गई कोई ऊंचाई सी आ गई, खामखा डिसबैलेंस हो गई, गिर जाएंगी किसी गाड़ी। और भाई अगर आप रियर स्पेस की भी बात करोगे ना तो ठीक ठाक रियर स्पेस है, अपना पीछे कंफर्ट भी है यार, टैक्सी में ज्यादा बिकती है आपको रीजन पता ही है। हालांकि वैगनार अब ऐसे शर्म सी तो आती है क्योंकि टैक्सी में बहुत ही ज्यादा हो चुकी है, मतलब बिना नंबर अगर कोई पीली नंबर प्लेट नहीं है किसी पे प्राइवेट गाड़ी है तब भी साइड वाइड से देख के लोग इसको टैक्सी समझते हैं कि अरे मैंने ओला बुक करी थी उबर बुक करी थी तो कि यही गाड़ी इतनी, तो नंबर लोग खामखा गाड़ी के नंबर पढ़ते हैं। वैगनार अगर कभी नोटिस करके देखना, जो मैं इतना दूर चला के लेके गया हूँ मैंने नोटिस करी है यार, स्पेस बढ़िया है, बीच में कोई हम्प नहीं है। अरे अच्छा हैंड ब्रेक नहीं लग रहा, मैं भी तो कहूँ इधर उधर ऐसे अपने आप मटक रही है भाई। अच्छा एक और चीज़ भाई, ये जैसे 8 साल पुरानी गाड़ी 2015 मॉडल, इसके अगर आपको स्पेयर पार्ट ऑफलाइन मार्केट में नहीं मिलते, हालांकि मारुति इस चीज़ में तो भाई सबसे महान है कि इनके स्पेयर पार्ट आपको किसी टीयर 3 सिटी कैसी भी दुकान में मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको कहीं नहीं मिल रहे हैं चाहे नई गाड़ी है पुरानी गाड़ी, आप बूट मोड को एक बार ट्राई कर सकते हैं उनके पास। अगर आप उनकी वेबसाइट ऐप पे जाते हैं, आप अपनी गाड़ी की डिटेल भरते हैं, वहाँ पे सारे पार्ट दिखा देता है, आप जाके सिंपली अपने घर पे ऑर्डर कर सकते हैं। बूट मोड को हम याद रखिएगा, अगर आपको नेक्स्ट टाइम कोई स्पेयर पार्ट चाहिए हो तो घर बैठे बैठे ऑर्डर करना भाई। अब इसकी लाइट वाइट चेक कर लेते हैं कैसी है। देखते ही देखते चलाते चलाते रात हो गई है मेरे को इस गाड़ी के, लाइट वाइट भी बढ़िया है यार। पर इनमें पता है एक सबसे डेंजरस फीचर क्या आता है, गलती से पार्किंग लाइट या लाइट ऑन रह गई ना, तो मंदे टाइम में कंपनियां ये नहीं जानती थी कि कुछ ऑटो कट वाली चीज डालनी चाहिए, वो जलती ही रहेंगी आप 2-3 घंटे, क्योंकि अब तो हमको आदत हो गई है, तो सारी लाइट्स मेरे पास NHS एल्टोस है, 1-2 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, तो वही आदत। मैं कहीं चला गया 1-1.5 घंटे बाद आया, ये कहाँ चला गया, ये लेने गया था यार पेप्सी और थोड़ी भूख सी लग रही थी। मैं भाई मेरे छक्के से छूट गए कि यार ऐसी बैटरी उन्होंने बदलवाई भी होगी जन्ना, रिस्टार्ट होगी जन्ना, बट हो गई भाई। मारुति वाले काम तो बढ़िया कर रहे हैं यार, चलाने में मस्त है, अलग ही फील है यार गाड़ी में, सही बता रहा हूँ। ऐसे मेरे को पावर वावर की कोई ऐसे दिक्कत ना लग रही। ऐसे मैं आपको नॉर्मली एक और चीज बता दूं भाई, लोग ज्यादातर वैगनार लेते ही उसमें CNG लगवा लेते हैं, फिर लेते ही CNG वाली वेरिएंट है, लेकिन जो मैं आज ये गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ वैगनार, ये मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस पेट्रोल में शेयर कर रहा हूँ, इसमें कभी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई ना CNG लगी ना कुछ, प्योर ही हमेशा पेट्रोल में ही रही है। ये बलेनो थी ना, मैं उससे ऐसी परेशान था, पिकअप विकअप नहीं था, ये हल्की सी एकदम हल्की गाड़ी है वेट में, ऐसे उड़ती जाती है ऐसे भागती है भाई, पंजे दबाने की देर है, पर जान तो है यार इन पुरानी इंजन्स में यार। लो भाई अब मैं निकल लिया हूँ ये पर्ची लेके भाई, दोबारा से ₹250 लिए, देखो दो पर्ची है मेरे पास भाई, मेरे से हर बार ₹250 लिए हैं, ₹250 कह रहा भाई, सिंगल जर्नी है ये और डबल होता नहीं। मैं कह रहा यार ये रूल तो बड़ा गंदा आया है यार, मतलब मान लो कोई मंगती गाड़ी किसी की लेके जा रहा है, कोई ब्रांड न्यू गाड़ी जिसमें फास्टैग नहीं है, हर बार ₹250 देगा। अगर मान लो मैं कोई लंबी जर्नी पे ऐसे बिना फास्टैग के निकल जाता हूँ भाई, ये तो मेरा भट्टा बैठ जाएगा, निकलने का भी आने का भी डबल। पहले तो पर्ची कटती थी, पहले जब कैश का जमाना था तो अब भी एक पर्ची काट सकते थे ना, चल एक बार डबल लेंगे या फिर दूसरी बार भी ₹65 का डबल ले लो, ₹120
लेकिन ये तो रूल बकवास है यार फास्टैग मतलब इनका टोल टैक्स वालों का। सरकार ने ना ऐसा कुछ रूल कर दिया है कि जिनके पास फास्टैग है उनकी फुल इज्जत है, उनकी भी नहीं रहती यार, वो भी लाइनों में लगे रहते हैं, फिर अगर उनके मेरे चार्ज भी है तो उनका वो सिस्टम नहीं उठाता तो फिर लड़ते रहते हैं। और अगर फास्टैग नहीं है तो भाई उनका तो फिर कैश में चल रहे हैं ना, उनका बुरा हाल है। और भाई साहब इंटीरियर भी डबल टोन मिलता था, ये देखो यहाँ पे अलग स्पेस, यहाँ पे अलग स्पेस, तो यहाँ पे अपना पानी वानी का भी हो, पानी तो खैर बोतल से ही पीते हैं, बोतल होल्डर ही नहीं आता यहाँ पे, तो बोतल रखने की जगह नहीं थी भाई उस टाइम पे। उनको इंजीनियर्स ने सोचा ही नहीं था कि बोतल वोटल भी कोई रखता होगा, बस उनको इसका पता था कि यहाँ पे डैशबोर्ड में ये चीज घुसा देंगे। भाई अब मैं आ चुका हूँ जरा इस वैगनार को पूरी को चला के, भाई मेरे को एक चीज तो रियलाइज हो गई भाई, आजकल जो इतनी गाड़ियाँ बिक रही है ना इनका एक रीजन है भाई, सिंपल सा भाई, मतलब आजकल नीड इतनी बढ़ गई है ना गाड़ियों की कि लोग भाई एक आध गाड़ी के बिना सरता नहीं है। खैर ये तो हो गई भाई दूसरी बात, लेकिन मैं आपको एक जरूर चीज बताना चाहूंगा भाई, इस गाड़ी जो 8 साल पुरानी गाड़ी 2015 मॉडल है ये वैगनार LXi भाई, मतलब यार इतनी बढ़िया एक ये चीज़ यहाँ पे मेरे को आज पता चली मारुति इतनी ज़्यादा क्यों बिकती है भाई। देखो तो जब से हम बड़े हुए 18 साल हुए गाड़ी चलाना स्टार्ट हुए, तब से 2018 के बाद ये ह्यूंडई हो गई, टाटा हो गई, इन्होंने बहुत जोर मारा है, लेकिन 18-15 से पहले यही गाड़ियाँ बिका करती थी भाई, रूल किया करती थी यही गाड़ियाँ, दूसरे नंबर पे ह्यूंडई हुआ करती थी, उसके बाद तो लोग पूछते ही नहीं थे किसी और गाड़ी को। तो ये गाड़ी 8 साल पुरानी होने के बावजूद भाई वैसे खस्ता दिखती हो, ऐसे गल मतलब जंग लग रहा है, यहाँ से ये पट्टियाँ जो हैं ये ऐसे इसमें लग रही हैं, बट चलाने में जो उसका आनंद है ना भाई, पंजा दाबती ऐसे भागती है रॉकेट की रोज, खुली खुली सी महसूस होती है। मारुति रिलायबल गाड़ी बनाती है भाई, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, टोयोटा है रिलायबल उसको बहुत ऊंची पद्धति दे रखी है, लेकिन वो केवल हाई एंड ऊंची लेवल की कार्स के लिए, बट जब आप ऐसी 8 साल पुरानी गाड़ी चलाओगे ना, टैक्सीज में इतनी क्यों बिकती है डिजायर हो गई, वैगनार हो गई, क्योंकि ये सालों साल 15 साल तक इसका इंजन कहीं नहीं जाने वाला, इस गाड़ी का बॉडी बेशक गल जाएगी, बॉडी कोई डाउट नहीं, बॉडी इसकी 100% गलेगी, मेटल क्वालिटी बहुत वीक है, लेकिन इंजन गियरबॉक्स स्टेयरिंग पहिए भी घिसे पड़े हैं, हर चीज़ से बहुत बेहतरीन स्वाद आ जाता है गाड़ी चलाने में, मज़ा आ गया मेरे को यार सब, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये दिल्ली तक पहुंच जाएगी, लेकिन दिल्ली क्या, ये भाई इसको काजा तक ले जाओ, इतना कॉन्फिडेंस अब मेरे को इस गाड़ी पे आ चुका है। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।